तो नासिक में पहुंचते ही आपको लगेगा जैसे आप राम युग में आ गए हैं। वहां राम जी, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, वीडियो में देखिए। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी और यही नासिक वो जगह है जहाँ पर सीता जी का हरण हुआ। यहाँ पर लक्ष्मण रेखा है जो लक्ष्मण जी ने खींची थी और सीता गुफा भी है। जब शूर्पणखा की नाक काटी तो 10,000 से ज़्यादा राक्षसों ने आकर आक्रमण किया और सीता जी को एक गुफा में लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने भेज दिया। तो आइए इस तपोवन भूमि में, इस राम भूमि में हम देखते हैं कि क्या क्या है देखने के लिए। तो चलिए नासिक की यात्रा पर मेरे साथ। जी शहर ऐसे लग रहा है कि देवघर हो या फिर झांसी के अंदर घुस गए हैं। पुराने जो छोटे से शहर होते हैं वैसा शहर है। हाँ, मथुरा वृंदावन वाली फीलिंग है। अभी कालाराम मंदिर नासिक में और ये मंदिर भगवान राम को डेडिकेटेड है। यहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता जी की काली मूर्ति है क्योंकि कहते हैं कि गोदावरी की गोद से भगवान ऐसे ही निकले। इन्होंने राक्षसों को जो मारा तो वो एक काले रूप धारण करके मारा था, दैट्स व्हाई ये मूर्ति काली है। ये मंदिर बहुत ही विशाल है, कहते हैं ये मंदिर 200 समथिंग साल पुराना है, पेशवाओं ने बनवाया था। ये देखने में बहुत बेहद खूबसूरत मंदिर है। आइए सो मंदिर दिखाते। आप देख रहे होंगे ये मंदिर बेहद पुराना दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इस मंदिर का निर्माण पेशवा के सरदार गंगाराव ओडकर द्वारा 1782 में करवाया गया था। मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है और कालाराम मंदिर का निर्माण पर्णकुटी के स्थान पर किया गया है, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी की कुटी थी, कुटिया थी कहते हैं, वहीं पर ये मंदिर बनाया गया है। कहते हैं उस समय 23 लाख लगभग लागत में बनाया गया था, जो कि बेहद बड़ी रकम मानी जाती थी। तो गाइस, अभी हम कालाराम मंदिर में थे और अब हम जा रहे हैं सीता गुफा। जय श्री राम। आपको ये बता दूं कि मंदिर से, कालाराम मंदिर से आप जैसे ही निकलते हैं 500 मीटर भी आपको नहीं चलना होता है और आप पहुंच जाते हैं सीता गुफा। सीता गुफा वो जगह है जहाँ पर सीता जी शिव जी की पूजा किया करती थी। राम नवरात्रि हो या फिर दशहरे का उत्सव हो, यहाँ पर भक्त उसे मिलकर बहुत बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इस जगह का नाम है पंचवटी और पंचवटी नाम पड़ने के पीछे रीजन है 5 वट वृक्ष एक साथ एक ही जगह पे हैं, इसलिए 1, 2, 3, 4 और बैक से गाइस। हम आए अभी सीता गुफा से दर्शन करके। सामने ही सीता गुफा के अपोजिट एक एग्जीबिशन लगी है जो आप देख सकते हैं, 1 रुपए एंट्री फीस है वहाँ की। बोलो जय सिया राम। सीता गुफा के जस्ट अपोजिट ये एग्जीबिशन लगी है जिसमें एंट्री फी है मात्र 1 रुपए। आप अंदर इसमें प्रभु श्री राम जी के चित्रण को देख सकते हैं, जैसे सीता हरण हो, जैसे रामचंद्र जी का वनवास में जाना हो। सीता गुफा के सामने ही ये स्टॉल है जहाँ मिलता है फ्रेश ताजा गुफा से मिल के आए, उसकी गुफा में घूम के आए और फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे दादा? रामकुंडर कपालेश्वर मंदिर। कपालेश्वर मंदिर शिव जी का एक ऐसा मंदिर है यहाँ पर जिसमें नंदी जी को शिव जी ने एक दिन के लिए गुरु माना था और इस मंदिर में शिव जी के बगल में साथ में नंदी जी नहीं है, बाहर मिलेंगे वो आपको प्रतीक्षा में बट अंदर नहीं मिलेंगे। और इस मंदिर की बहुत ही विशेषता है, सो एक बार नासिक आए तो दर्शन जरूर कीजिए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।
कपिलेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम चल पड़ते हैं राम कुंड की तरफ। गंगा गोदावरी राम कुंड तट के, यस, और ये बिल्कुल कपिलेश्वर मंदिर के अपोजिट है। बिल्कुल, ये दिखाओ ना कपिलेश्वर मंदिर सामने। ये दिखा दो, ये कपिलेश्वर मंदिर और ये गंगा गोदावरी राम कुंड पंचवटी नासिक। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ एक धार्मिक शहर है। इस शहर की भूमि ने भगवान श्री राम, मैया सीता और लक्ष्मण को वनवास के दौरान आश्रय प्रदान किया। इसके अलावा नासिक भारत के उन चार स्थानों में शामिल है जहां प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। जय श्री राम। और ये देखिए, ये है गोदावरी रिवर और यहाँ पर कहते हैं ये जगह है राम कुंड नासिक में, और कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री राम स्नान किया करते थे इस कुंड में। ये देखिए बच्चे पीछे पड़ गए हैं। रामकुंड पंचवटी में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। रामकुंड का निर्माण 1696 में चितारो खातरकर ने कराया था। कहते हैं कि भगवान राम और मैया सीता वनवास के दौरान इस कुंड में स्नान किया करते थे। मान्यता ऐसी भी है कि इस पवित्र कुंड में किसी मृतक की अस्थियां बहाने से उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गाइस, हमें अभी पंचवटी में और यहां से हम जा रहे हैं तपोवन। सो चलिए, जहां पर सूपनखा की नाक कटी थी और साथ ही साथ हम देखेंगे गोदावरी रिवर। और ये भी आपके कालाराम मंदिर में भी जो भगवान जी की मूर्ति काली है, वो भी इंडिया में हमें लगते है इकलौती मूर्ति काली। कालीराम क्यों बोलते हैं उसको? पंचवटी से राम की सीता रावण उठा के ले गया, तो भगवान के मन में दुख हुआ, दुख के कारण उनको कालीराम जी बोलते और काले हनुमान जी बोलते। हनुमान जी को सुनने नहीं लगा। ये तपोवन वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम ने तप किया वनवास में। जब वो 14 साल वनवास के लिए निकले थे तो उन्होंने यहाँ पर अपना कुछ टाइम स्पेंड किया। तो ये वो जगह है तपोवन की जहाँ सूपनखा की नाक काटी थी भगवान लक्ष्मण ने, और यहाँ पर लक्ष्मण जी का इकलौता ऐसा अपने भारत में मंदिर है जिसमें लक्ष्मण जी काले स्वरूप में। जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में घुसते हैं, आप देखते हैं कि दीवारों पर वनवास काल के चित्रण उकेरे गए हैं। फिर चाहे वो प्रभु राम के राक्षसों से लड़ाई हो, या फिर सीता हरण हो, या सीता जी का मृग के लिए हट करना हो, ऐसे कई सारे चित्रण आप दीवार पर देख सकते हैं। है तपोवन का मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और महादेव का मंदिर। आइए तपोवन में दर्शन कीजिए। जब कुंभ मेला होता है तो साधु संत यहाँ पर आते हैं, रहते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने यहाँ पे स्टे किया हुआ है। ये पिंजवार मठ के जस्ट बगल की गली में था जैन मंदिर, जो कि बेहद खूबसूरत था। वो हमें दूर से आने के लिए अट्रैक्ट कर रहा था और इस आकर्षण के नमूने को हम देखने के लिए निकल पड़े और जा पहुंचे जैन मंदिर। स्वामी नारायण मंदिर नासिक, बहुत ही अल्टीमेट स्ट्रक्चर, और जो ये दिगंबर जैन टेम्पल है और यहाँ पर जो नक्काशी है वो बेहद उम्दा और बहुत ही सुंदर है। मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है, गर्भगृह में भी बहुत ब्यूटीफुल नक्काशी की गई है। टोटल ओवरऑल मिला के दिल खुश हो गया, बहुत प्यारा मंदिर है। तो गाइस देखिए कंप्लीट इस मंदिर को, नासिक आए तो यहाँ दर्शन जरूर कर लें। स्वामीनारायण मंदिर में अगर आपको भूख लगे तो गर्म खिचड़ी खा सकते हैं आप, या नाइट में हमने खिचड़ी पैक करवाई है। ये देखिए पेटी, समोसे एंड ऑल, बहुत कुछ है खाने के लिए। तो आप फ्रेश ताज़ा खा सकते हैं और बहुत ही सस्ता। गाइज
से अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजा लें, क्योंकि इस यात्रा में अभी काफी कुछ बाकी है। हम जाने वाले हैं त्रिम्बकेश्वर और दिखाने वाले हैं ढेर सारे व्लॉग्स, तो बने रहिए हमारे साथ। बात आती है होटल में स्टे करने की। अगर आप बिल्कुल ही बजट फ्रेंडली करना चाहते हैं स्टे को, तो आप धर्मशाला में रुक जाइए। हम धर्मशाला में रुके थे, हम पिंजवार मठ में रुके थे, जहां हमने 500 रुपए दिए थे दो लोगों के एक रूम के, तो इजी है, आप वहां रुक सकते हैं। वो पड़ेगी आपको पंचवटी कॉलेज के पास बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार वहां से डिस्टेंस है, क्योंकि वहां से पंचवटी एरिया जहां आपको जाना है, कालाराम मंदिर या हो या सीता गुफा हो, वो पड़ेगी आपको 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच की। तपोवन भी पड़ेगा 2 से 3 किलोमीटर वहां से। तो अगर आप रुकना चाहते हैं पंचवटी में ही, तो ईजी होगा ये कि आप पंचवटी में रुक जाइए। वहां पर आपको 800 रुपये से लेकर 1500 के बीच होटल मिल जाएगा, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से नासिक आप भले गोदावरी के दर्शन करने आइए या गोदावरी नदी में डुबकी लगाने आइए, अपने पितरों को जल अर्पण करने आइए या फिर राम नाम में हो जाने आइए, लेकिन आइए जरूर।